प्रदेश की तरह झारखंड में भी इन दिनों पैसे निकालने के लिए लोगों को एटीएम दर एटीएम भटकना पड़ रहा है, लेकिन हर जगह नो कैश के बोर्ड मिल रहे हैं। धनबाद में दो महीने से कैश की किल्लत लगातार जारी है। बैंक शाखाओं से लेकर एटीएम तक खाली हो चुके हैं। शहर के ज्यादातर एटीएम बंद है। शादी विवाह का समय है, किसी की बेटी की शादी तो किसी को बेटे की स्कूल में नामांकन दाखिल करवाने के लिए पैसों की जरूरत है, मगर बैंकों के गेट पर बोर्ड टंगा हुआ है कि आपको सिर्फ 5,000 रुपए ही मिलेंगे। शादी है सर 24-25 मई, अब पैसा मिल नहीं रहा, सामान वान कैसे खरीदाएगा, सामान के लिए तो भारी बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे बोर्ड टांगा हुआ है 5,000 से ज्यादा नहीं। यहाँ पे बोर्ड टांगा हुआ है 5,000 से ज्यादा नहीं, लेकिन वो भी 5,000 रुपया मिलने वाला नहीं है। मिल तो है तो 10 टकिया मिल रहा है, तो 10 टकिया लेके झोला में भर के कहाँ जाएगा आदमी। बैंक है, मेरा हस्बैंड का पेमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए आए हैं। 12 का पेमेंट है, 19 तारीख हो गई। क्या बोल रहे हैं बैंक? बैंक में पैसा नहीं है। क्या करेंगे आप? शादी लगा हुआ, सबको शादी में देना है हमको जो जो दिया है। वही कैश की किल्लत पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री मन्नान मलिक ने देश की बीजेपी सरकार पर हमला किया और कहा कि देश की जनता नोटबंदी से परेशान तो थी ही, अब वो फिर से नोट की किल्लत से परेशान है। देश में आज जो स्थिति हो गई है, एटीएम में कहीं भी पैसा नहीं है और बैंक में जाने से कहता कि कैश 2-3 रोज के बाद। हम लोगों ने पहले भी कहा था, नोटबंदी के समय भी कहा था और बार बार चेताया गया था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने भी चेताया था, देश की हालत गंभीर होने वाली है और देश से नोटबंदी से बहुत नुकसान है। कैश की किल्लत पर राजनीति जारी है, कहीं धरना तो कहीं एटीएम में माला पहनाकर विरोध किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आज हम लोग जिस स्थिति में जीने के लिए विवश हैं, जिस परिस्थिति में रहने के लिए विवश हैं कि हमारे पास हमारा पैसा, हमारे अधिकार का पैसा एक ऐसे जगह पे कैद है जहां से हम निकाल नहीं सकते, जहां पर कुछ लोगों की मोनोपोली चल रही है, आखिर समाज से ये पैसा गया कहां? अचानक से एक साथ जो है इतने देश के इतने राज्यों से ये पैसा कहाँ उड़ गया? ये विकास का कौन सा नया पैमाना है कि एक दफा 18 महीने पहले नोटबंदी करके जनता को पैसे रहते हुए त्राहिमाम करना पड़ा है और आज फिर से वही स्थिति है कि पूरा का पूरा जनता सबके हाथ में पैसा है लेकिन त्राही त्राही कर रही है। देश के कई राज्यों में अचानक आए नकदी के संकट से खुद सरकार भी हैरान है। सरकार के मुताबिक देश में कैश की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि भले ही सरकार के पास पैसा पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, लेकिन इस तरह के हालात से निपटने के लिए उसकी कोई तैयारी नहीं थी और संसाधनों के अभाव में ये स्थिति यहां तक पहुंच गई। जय उपाध्याय, धनबाद, एपीएन।